नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनाती के मुद्दे पर करेंगे। यह मुद्दा इसलिए भी उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम होता गया क्योंकि इसके सहारे विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार और खासकर मंत्री सतीश द्विवेदी को घेरा। मामले की शिकायत सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर की तरफ से राजभवन की गई। राज्यपाल ने इस मामले में जो विश्वविद्यालय है उससे जवाब मांगा है। यह मामला तब तूल पकड़ा जब मंत्री जी के भाई ने खुद को EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बताकर, आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग होते हैं उनका EWS जो सर्टिफिकेट होता वो बनता है वो बताकर उस कोटे में नौकरी हथिया ली। जिसका बड़ा भाई उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा मंत्री हो और उसका छोटा भाई आर्थिक तौर पर कमजोर, सुनने में अटपटा लगा। और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या सियासी दल, उन्होंने सियासत करना, अपने बयानबाजी करना, मंत्री को घेरना शुरू कर दिया। फिलहाल इस मामले में जब राजभवन की तरफ से जवाब मांगा गया तो स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेखपाल है, उसने एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने ला दिया। साल 2019 में मंत्री के छोटे भाई ने बनस्थली विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जब नौकरी कर रहे थे उसको लेने के लिए EWS का सर्टिफिकेट बनवाया था साल 2019 में। साल 2019 के इसी EWS सर्टिफिकेट को लगा करके मंत्री के भाई ने यह नौकरी भी पाई। अब सवाल इस बात का है कि क्या 2019 का बना हुआ सर्टिफिकेट 2021 में भी काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ यह मामला तब और गर्मा गया जब मंत्री जी के भाई की तैनाती के अगले ही दिन विश्वविद्यालय के कुलपति को एक्सटेंशन मिल गया। इसके बाद से मामला तूल पकड़ता चला गया। फिलहाल राजभवन ने जो सवाल जवाब किए हैं विश्वविद्यालय से उस पर आधिकारिक तौर पर बयान पहुंचना या जवाब दाखिल होना बाकी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मंत्री जी के छोटे भाई का आर्थिक तौर पर कमज़ोर बनकर नौकरी पाना अब सियासत के साथ साथ उनके लिए भी मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।